डॉक्टर आनंद, यस, आपको डॉक्टर मेहता ऑपरेशन में बुला रहे हैं। आपकी मिसेज का ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? वो यहाँ कब आई? अभी आई है। विमला, आई एम सॉरी आनंद, ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर, इसके अलावा कोई चारा नहीं, तैयारी करो। की मर्जी के आगे इंसान मजबूर हो जाता है। वो आंखों को रोशनी देते समय कभी कभी दिल का चिराग बुझा देता है। डॉक्टर आनंद कहाँ है? हमें डॉक्टर आनंद चाहिए। डॉक्टर आनंद को बुलवा दीजिए। मैंने कहा ना, हमें डॉक्टर आनंद चाहिए, उन्हें बुला दीजिए। उनके हाथ से बहुत से घरों के चिराग रोशन हुए हैं, बहुत सी गोदियां भरी हैं। देखिए, डॉक्टर आनंद इस वक्त बहुत परेशान है, वो किसी मरीज को देखने काबिल नहीं। लेकिन मैं तो उन्हीं के नाम से अपनी बहू को यहाँ लाई हूँ। भगवान की कृपा से उनका हाथ बहुत अच्छा है, लोगों को उन पर बहुत भरोसा है। आप समझने की कोशिश कीजिए, इस वक्त वो बहुत परेशान है, किसी मरीज को नहीं देख सकते। लेकिन डॉक्टर, पेशेंट कहाँ है? लेकिन आन, तुम मैं डॉक्टर हूं मेहता साहब, जिंदगी खोकर भी जिंदगी से गाफिल नहीं हो सकता। चलिए, आइए। बहु, डॉक्टर आनंद आए हैं। डॉक्टर साहब, अगर मेरी जिंदगी की कोई तमन्ना है तो वो यही होने वाला बच्चा है। ये मेरी जिंदगी का सहारा है डॉक्टर साहब। घबराइए नहीं, परमात्मा सब ठीक करे। परमात्मा सुहागनों का सुहाग बनाए रखे। वो तो इस अस्पताल में फिर भी आएंगी, लेकिन मैं विधवा हूँ।
देखिए देखिए, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को बचा लीजिएगा। हौसला रखिए। नहीं आप वादे कीजिए, आप मेरे बच्चे को बचा लेंगे। घबराने की कोई बात नहीं। नर्स बहू, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चराग की रोशनी मुबारक लड़का है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। आइए सर। बस डॉक्टर मेहता बोला हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या बात है? हार्ट सिंग कर रहा है। गोला मिलती है? जी हाँ। डॉक्टर साहब, बहू, मेरा बच्चा। बच्चा ठीक है, घबराइए नहीं। शायद बच्चा देखने से हालत सुधर जाए। नर्स, मैं लेके आता हूं डॉक्टर। मैट्रन, डॉक्टर, पेशेंट नंबर 4 का बच्चा। उसे जल्दी लाओ, उसकी मां की हालत बहुत खराब है। लेकिन वो तो मर गया। इस शॉक से तो वो जरूर मर जाएगी। डॉक्टर, डॉक्टर मेहता पेशेंट नंबर 4 का बच्चे जल्दी मांग रहे हैं। बच्चा फौरन दीजिए डॉक्टर, पेशेंट नंबर 4 सीरियस है। सीरियस? हाँ डॉक्टर। तुमने क्या किया? मैंने ठीक किया। वो बच्चे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती थी। एक मां को बच्चा दे दिया मैं, बच्चे को मां। लेकिन अपना बच्चा दे दिया डॉक्टर। नहीं नहीं, ये समझो कि मेरा बच्चा मर गया, ये उसी का बच्चा। वादा करो, तुम ये किसी से कहोगी नहीं। कसम खाओ, सौगंध खाओ, इससे नहीं कहोगी तुम। आनंद, तुमने ये नहीं बताया कि तुम वापस कब आ रहे हो। डॉक्टर, अब मैं वापस किसके लिए आऊं? मैं तुम्हारे दिल की हालत अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन याद रहे कि इस अस्पताल को हमेशा तुम्हारी जरूरत रहेगी। थैंक यू डॉक्टर। Oh!
अजब है मालिक तेरा जहां, चिराग कहां रोशनी कहां, चिराग कहां रोशनी कहां, अजब है मालिक तेरा जहां, चिराग कहां रोशनी कहां। अजब है मालिक तेरा जहां, चिराग कहां रोशनी कहां, आग लगे नहीं उठे धुआं, चिराग कहां रोशनी कहां। चांद से देखा दूर चकोरा, चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आँख से दूर है आँख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ। अजब है मालिक तेरा जहाँ, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ। कर अपना दीप करे जो किसी का घर उजियारा, देकर अपना दीप करे जो किसी का घर उजियारा, आज उसी के मन में छाया क्यों गम का अंधियारा, आई बहारे लेके खिजा, आई बहारे लेके खिजा, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ। अजब है मालिक तेरा जहाँ, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ। अजब है मालिक तेरा जहाँ, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, आग लगे नहीं उठे धुआँ, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ। मैं क्या करूं भगवान, कहां चला जाऊं, चार साल से मैं मारा मारा फिर रहा हूं, लेकिन मेरे मन को शांति कहीं नहीं मिलती। मुझे शांति क्यों नहीं मिलती प्रभु? शांति कर्तव्य में है, कर्तव्य से भागने में नहीं। तुम अपने संसार में वापस चले जाओ बेटा।
मेरा संसार खत्म हो चुका है बाबा, मेरा दुनिया में कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा मेरा। नहीं, यदि तुम्हारा मन अशांत है तो अवश्य इसके पीछे कोई पुकार है जो तुम्हारे मन को बेचैन कर रही है। जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं बेटा। आप ठीक कहते हैं बाबा, मैं वापस चला जाऊंगा। यहां आए हो तो खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगी। भगवान के नाम पर मैं तुम्हें उन्हीं की पूजा के फूल और चंदन देता हूं। इस जग में जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है उसके गले में बांध देना, कोई विपत्ति नहीं आएगी। चलो दूध खत्म कर लो। नहीं पहले कानी फिर दूध। नहीं पहले दूध फिर नहीं कानी। नहीं पहले दूध पी लो। चलो तुम बहुत जिद करने लगा राजू, तुम बहुत जिद करने लगा। चलो पहले कहानी सुनाएंगे फिर दूध पीना। अच्छा चलो दूध पियो। नहीं कहानी सुनाओ। कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। सुनाती सुन मेरे नन्नी, सुन मेरे मुन्नी, सुन ले एक कहानी। बहुत दिनों की बात है, एक था राजा एक थी रानी। राजा रानी के घर में था राजकुमार एक प्यारा। एक के दिल का टुकड़ा था वो, एक की आंख का तारा। एक दिन राजा का मन चाहा चलकर करें शिकार। निकल पड़ा वो होकर एक नीले घोड़े पे सवार। और मालूम है वो क्या कहता जा रहा था? क्या माँ? चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। हवाओं में फिर ये आवाज सुनाई। क्या माँ? चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े। लेकर राजा को एक वन में जादूगरनी ने जादू का तीर जो छोड़ा, तोता बनकर रह गया राजा, पत्थर बनकर घोड़ा। फिर क्या हुआ माँ? फिर क्या हुआ? ये राजा कैसे कहता? क्या माँ?
चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। इधर महल में राह देखते व्याकुल हो गई रानी, राजकुमार के कोमल मुख पर भी छाई वीरानी। तब ईश्वर से दोनों ने रो रो कर करी पुकार, दे दे हमें हमारा राजा जग के पालन हार, रे ओ जग के पालन हार, जग के पालन हार, रे ओ जग के पालन हार। सुनकर उनकी विनती दूर गगन में ज्वाला भड़की, जादूगरनी के सर पर एक जोर की बिजली कड़की, तोते से फिर निकला राजा और पत्थर से घोड़ा, राजमहल की ओर वो पूरा जोर लगा कर दौड़ा और बोला, क्या माँ? चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। देख के राजा को आते रानी फूली न समाई, राजमहल के द्वार पे झटपट दौड़ी दौड़ी आई। राजा आया राजा आया, बोला राजकुमार, अपने हाथों से रानी ने जाकर खोला द्वार। आप जी? मैं राजा गया, मैं राजा गया। बड़ा प्यारा बच्चा है, आप अंदर आइए, आइए ना। आज 4 साल बाद आप इधर का रास्ता कैसे भूल पड़ी? इसलिए भूल गए माँ, क्योंकि जादूगर ने जादू कर दिया। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो। होशियार भी और अच्छा भी। हाँ? क्यों माँ? चल शरीफ कहीं का, इसीलिए तुझे नजर बहुत लगती। मेरी नजर नहीं लगेगी। जानती हूँ आपकी नजर बुरी नहीं। बैठिए ना, क्या पीजिएगा, चाय या शरबत? जी कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ बच्चे को देखने चला आया था। वाह, ये कैसे हो सकता, आप राजू के लिए इतनी तकलीफ उठाएं और चाय भी पीकर ना जाए। आप बैठिए ना, मैं भी आई। बैठिए। कौन है भाभी? डॉक्टर आनंद आए हैं। यहाँ क्यों आए हैं? राजू को देखने के लिए। एकदम इलीगल, बिल्कुल खिलाफ कानून। ओहो, सारी दुनिया का कानून देख जाना, अपने घर का कानून मत देखना। मैटर बोलो, मैटर, मामला क्या है? हम अपना घर, आहिस्ता बोलो, हम अपना घर छोड़कर इस घर को सुधारने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पता नहीं कैसे कैसे अनजाने लोग घर में घुसाते हैं। घर में घुसाते हैं? इलीगल। अगर जबरदस्ती कोई किसी के घर में घुसता है उसे कहते हैं ट्रेसपास। भाई यारों से पुलिस के हवाले कर दो, केस हम लड़ेंगे फ्री फ्री। तुम क्या केस लड़ोगे? आज तक जिंदगी में कोई केस तुमको मिला भी? जरा उधर जाके देखो, पता नहीं कौन है, सतना से मिलने आया है। आ सकता है, किसी का मिलने के लिए आना खिलाफ कानून नहीं है। ओहो, क्या हो गया है तुम्हारी अकल को? मैं कहती हूँ जरा चल के देखो दोनों में क्या बातें हो रही है, जरा छुप के सुनो। अरे मैं वकील हूँ, वकील कोई जासूस नहीं, दो आदमियों की बातें छुप कर सुनना इल्लीगल। तुम्हारा इल्लीगल गया भाड़ में। मारता है तो रिपोर्ट लिखवाओ, मार पीट लड़ाई झगड़ा दफा दफा करो अपनी दफा को, घर ही में तुम्हारा कानून चलता है। जी मेरा कानून कहाँ चलता है, ना घर में ना बाहर, कानून तो तुम्हारा चलता है। फिर वही बात, खुशामद
और जो मैं कहती हूँ करते नहीं। अरे अरे क्या मुसीबत है, जब देखो तुम दोनों का झगड़ा। कमला मैं तेरी आवाज बहुत सुनती। मैं क्या करती हूँ माँ, यही तो हर घड़ी कानून दफा और फौजदारी करते रहते हैं। मैं तो चुपचाप घर सुधारती हूँ, लेकिन माँ मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। बात क्या है बता तो सही। बस इतना सा कह के बुरी बन गई हूँ कि उधर जाके देखो कैसे कैसे अनजाने लोग घर में आ जाते हैं। अनजाना कोई नहीं, वो तो डॉक्टर आनंद है, मैं उन्हें जानती हूँ। आपका घोड़ा कहाँ है? घोड़ा? हाँ, आप घोड़े पे बैठ के आए थे ना? बेटे तुम घोड़े पे बैठोगे? हाँ बैठूंगा। अच्छा चलो हम तुम्हारे लिए घोड़ा बनते हैं, तुम बैठो। अच्छा आ जाओ, शाबाश आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। अरे वाह चल मेरे घोड़े टिक टिक। अरे वाह तुम तो गाना भी गाते हो। चल मेरे घोड़े टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े। अरे अरे राजू ये क्या कर रहा है, उधर उधर नहीं जा। खेलने दीजिए ना। नहीं नहीं डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, ये बड़ा शैतान हो गया है। बैठिए चल इधर। मेरी तो समझ में नहीं आता राजू आपसे इतनी जल्दी घुल मिल कैसे गया। इसलिए माँ क्योंकि डॉक्टर से मम्मा ले घोड़ा बन गए। हमें तो घोड़ा बना लिया, मगर बेटे तुम क्या बनोगे? जो इसके पिताजी थे। डॉक्टर? जी नहीं, वो इंजीनियर थे। अगर मैं जिंदा रही तो इसे इंजीनियर ही बनाऊंगी। नहीं माँ मैं डॉक्टर बनूंगा। अच्छा अच्छा बनना। कुछ खाइए ना, खाइए ना। एक शर्त पर खाऊंगा। शर्त? जी हाँ, और आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। ऐसी क्या बात है? पहले वादा कीजिए। मैं वादा कैसे कर सकती हूँ बिना जाने बूझे? मैंने ये लॉकेट बनवाया है, इसमें भगवान की पूजा के फूल और चंदन है। ये मुझे एक साधु ने दिए थे और कहा था जिंदगी में जो सबसे प्यारा हो उसके गले में डाल देना। फिर? और तो मेरा कोई है नहीं, ये बच्चा मुझे बहुत अच्छा लगता। ये बहुत जिद्दी है डॉक्टर साहब, मुझसे नहीं पहनेगा, आप खुद ही पहना दीजिए। आओ बेटे। थैंक यू। अजीब बात है, ये किसी की बात नहीं मानता, लेकिन न जाने क्यों आपके सामने कैसे शरीफ हो गया। शायद तावीज अपना असर दिखा रहा है। अच्छा अब मैं चलूंगा। जाइएगा। बाय बाय। जल्दी खाओ, मैं दूसरे लोग को भी देखने का है। खाना गले से उतरता नहीं है क्या? कभी बदल तो दीजिए, रोज रोज ये खाना अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर को बोलो हम तुम्हारा नौकर नहीं है। आज बोलेगा खाना बदल दो, कल बोलेगा नर्स बदल दो। ऐसे ही अच्छा खाना खाना है तो होटल में जाओ, इधर क्यों आया? माया ये सब क्या हो रहा है? जी जी कुछ नहीं। तुम नर्स हो क्या, इतना नहीं जानती कि मरीज का कैसा बर्ताव करना चाहिए? क्या यही तुम्हारी ड्यूटी? बोलती क्यों नहीं? तुम्हें इसके लिए जवाब देना होगा। मरीज को खाना खिलाकर फौरन ऑफिस में आओ। तुम्हारा ऐसा दो बीमार और आएगा तो सबका सत्यानाश करेगा। क्या हुआ? होता क्या, 150 रुपए ली तनख्वाह देते हैं, समझते हैं खरीद लिया है। नर्स के जिंदगी भर एक मरीज के सामने खड़ी रहे, कुछ बोलो तो जवाब मांग। लेकिन 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 कुछ नहीं, अगर ज्यादा वो कुछ बोलेंगे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। हाँ सिस्टर, सिस्टर मेहरबानी करके आप बता सकती हैं कि पेशेंट नंबर? पेशेंट? ए मिस्टर हम नर्स है, इंक्वायरी ऑफिस नहीं, समझा? अरे पर पेशेंट, हाँ ये है, ये पेशेंट नंबर देखिए। आइए मिस्टर।
आप? मैं डॉक्टर आनंद। ओ, नए डॉक्टर? नहीं, तकदीर दूसरी बार यहाँ लाई। और तुम? जी मैं ये मिस माया वर्मा है, नई नर्स। तुम इसे नहीं जानते। माया तुम भी जा सकती है, फिर बात करेंगे। हाँ तो आनंद सर, आई एम वेरी सॉरी, आज जो गलती मुझसे हुई उसकी मैं माफी चाहती हूँ सर। ठीक है, लेकिन ख्याल रहे कि आइंदा ऐसा ना, समझे? नहीं होगा सर। मैंने एक रफ वसीयतनामा तो तैयार कर दिया है, अब ये बताओ कि मरने के बाद बड़े लड़के को कितना मिलेगा? अजी किसके मरने के बाद? तुम्हारे मरने के बाद। वो तो बस यही चाहता है कि मैं अभी मर जाऊं। अजी वो मेरा लड़का नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। वो समझता है कि मैं उसका बाप नहीं, वो मेरा बाप है। अब तुम ही बताओ। ये तुम्हारा खानदानी झगड़ा है, भला मैं कैसे बता सकता हूँ? अजी मैं उसको एक पाई नहीं दूंगा। वकील साहब कसम भगवान की, मेरा बस चले तो बेईमान को गोली से मार दूं। आस्ता बोलो आस्ता, वरना अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लग जाएगा। चिकू खाओ, खाओ खाओ और शांति से काम लो, शांति से। शांति? कौन शांति? किसकी शांति? ना वो मेरी शांति, ना मैं उसका बाप। उसको मेरी जायदाद से कट कर दो। अरे भाई मुझे क्या मालूम था कि शांति तुम्हारी लड़की का नाम है। लेकिन अब तुम लड़के को भी नहीं दोगे, लड़की को भी नहीं दोगे, तो आखिर ये सब कुछ कौन ले जाएगा तुम्हारे मरने के बाद? देखो वकील साहब, एक बात कहूँ? हाँ। तुम वसीयत नामे में जो चाहे लिख लो, लेकिन मैं मरने वाला नहीं। क्यों? क्यों? अजी आप वकील हैं कि मौत के ठेकेदार? मेरी मर्जी, एक बार कह दिया कि नहीं मरूंगा तो नहीं मरूंगा। दादा क्यों बदल रहे हो भाई? बरसों के बाद तो एक केस मिला है और तुम आधे रास्ते में से वापस चले जा रहे हो। इसी उम्मीद पर मैंने तुम्हें आठाने के चिकू खिला दिए, अब मुझे और नुकसान न पहुंचाओ। तुम जल्दी किसी तरह मरो। एक बार कह दिया कि नहीं मरूंगा, मर्द की बात एक, जबान एक। अब तुम एक बार कहो, सौ बार कहो, हजार बार कहो, लेकिन मैं मरने वाला नहीं। मगर भैया बात यह है, देखो ए मिस्टर, इधर आइए। जी आपने कुछ मुझसे फरमाया? जी हाँ, इधर आइए। आया जी। फरमाइए। आप एक मरीज के साथ ऐसी बातें करते हैं? डॉक्टर की मेहनत पे पानी फेरना चाहते हैं? कौन है आप? आप कौन हैं? मैं हॉस्पिटल का असिस्टेंट इंचार्ज डॉक्टर आनंद। ओह डॉक्टर आनंद, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। फरमाइए। लेकिन आप हैं कौन? जी मैं एस प्रकाश BLLB हूँ। आप रत्ना देवी को जानते हैं? मैं उन्हीं का पत्नी हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी ननद का पति हूँ। तो आप एक वकील होते हुए खिलाफ कानून हरकत करते हैं? मिस्टर प्रकाश आप पे मुकदमा चलाया जा सकता है। जी हाँ, सेक्शन नंबर, खैर गोली मारी है। डॉक्टर साहब करूँ क्या, बहुत दिनों से कोई केस नहीं मिलता। मुद्दत के बाद एक केस हाथ में आया था, सो वो भाई भी मरना नहीं चाहता। तो आप उसे जबरदस्ती मार देना चाहते हैं? मिस्टर प्रकाश अगर आप शरीफ आदमी नहीं होते तो मैं आपसे बहुत बुरी तरह से पेश आता। आप जाइए चुपचाप यहाँ से। जाता डॉक्टर साहब, जहाँ आपने इतनी मेहरबानी की है, एक मेहरबानी और कर दीजिए। आप ही एक आध मुकदमा दिला दीजिए। आजकल धंधा बिल्कुल बंद है, ससुराल में भी कोई काम नहीं। कभी मिलिएगा, देखूंगा। नमस्ते, थैंक यू। हेलो डॉक्टर, आपको फिर यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी आप लोगों में वापस आकर बड़ी खुशी हुई। कितने दिन बाहर रहे? बस यही कुछ 4 साल। और सुनाइए कहाँ कहाँ घूम आए? ओह आई एम वेरी सॉरी। क्यों बहुत टकरा रही हो? बात ही कुछ ऐसी। आउट, नॉट आउट, नॉट आउट। मामा चंदू आउट हुआ कि नहीं? उसके पैर में बॉल लगी। मैंने देखा नहीं राजू। क्यों नहीं देखा माँ? चल तुम चंदू की जगह पे खड़ी रहो, फिर बताना। तुम जाओ खेलो। नहीं माँ, चलो ना। खेलो ना राजू। चलो ना माँ। ओहो चलो, अच्छा चलो चलो चलो। हाँ।
चलो माँ, चलो 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 चलो। अब बताओ क्या करूं? जाओ तुम उधर खड़े रहो, अब पार्टिंग करो। वेल प्लेड, वेल प्लेड रत्ना, वेल प्लेड। अरे कोई बात नहीं, जो मेरा सर टूट गया बट वेल प्लेड। अरे अरे भाई शर्माती क्यों हो, खेलो ना। अरे भाई हेल्थ के लिए तो खेलकूद बहुत अच्छी चीज है, देखो इसमें कोई कानूनी रुकावट भी नहीं है, मैं वकील होकर खेलता हूँ। उठाओ उठाओ। लेकिन हाँ मैं जो कहता हूँ, चलो हरिया हरिया, कमन कमन, टेक इट टेक इट। मर गए, मर गए। शीशा किसने तोड़ा, मैं पूछती हूँ किसने तोड़ा? अरे बाप रे बाप, बाप रत्ना मैं छुपता हूँ। लेकिन लेकिन आप तो कह रहे थे मैं सब संभाल लूँगा। अरे मैं बाद में संभाल लूंगा, इस वक्त तो तुम संभाल लो। बोलना मत, बोलना मत, आ गई। अरे कोई बोलता क्यों नहीं, कौन खेल रहा था? मैं खेल रही थी। तुम्हारी उम्र गेंद खेलने की है, शर्म नहीं आती छोटे छोटे लड़कों के साथ गेंद खेलते हुए? छोटे लड़कों के साथ नहीं आंटी, बड़े लड़कों के साथ। बड़ा लड़का? कौन बड़ा लड़का? फूफा जी। फूफा जी कहाँ है वो, सामने क्यों नहीं आते? अरे सामने तो हूँ, तुम्हें कई बार कहा है कि अपनी आंखों का टेस्ट कराओ, लेकिन तुम अपनी तंदुरुस्ती का बिल्कुल ख्याल नहीं करती। मैं जरा अपनी हेल्थ बनाने के लिए क्रिकेट खेल रहा था, आओ तुम भी आओ। ये खेल कुछ तुम्ही को मुबारक हो, सिंह कटवा के बछड़ों में शामिल होते हो। ये बूढ़े चोचले और किसी को दिखाना। अरे क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग, काहे का झगड़ा है? देखो ना माँ, ये लोग इतने बड़े होके गेंद खेल रहे हैं, शीशा तोड़ दिया। क्या हुआ, बच्चे हैं, खेलने दो। जाओ राजू, जाओ खेलो बेटा। दादी तुम भी खेलो ना। अरे मैं क्या खेलूंगी, नहीं बाबा तुम जाओ। चलो ना। अच्छा भाई चलो। बड़ा शैतान लड़का है। अच्छा बेटा हम बैठे हैं, तुम यहाँ खेल रहे हो। किम किम
घर में है? जी नहीं, कोई हल नहीं। सुनो, तुम थोड़ा नाश्ता, एक गर्म कप चाय और एक गिलास ठंडा पानी ले आओ। आप कौन हैं साहब? तुम मुझे नहीं जानते? मेरा नाम है एस प्रकाश, BA LLB, डॉक्टर साहब का लीगल एडवाइजर। जी, अंग्रेजी में नहीं समझे? विधान सूचक, सूचक नहीं समझे? अरे यार, तुम समझने की नौकरी करते हो या नहीं समझने की? साहब, आप कोई समझने वाली बात कहे तो मैं समझूं, ना जाने आप क्या भूचक भूचक कर रहे हैं। अरे भाई, भूचक नहीं, सूचक। सूचक के मायने है सूचक। डॉक्टर साहब हैं? जी, अभी तो आएगी। आए नहीं, मैं उनका इंतजार करूंगी। आइए। आपकी तारीफ। ओ, अब याद आया, आप वही है ना अस्पताल वाली? इंक्वायरी ऑफिस नहीं है? आप कौन? मैं बड़े काम का आदमी हूँ, आपको माकूल मशवरा दे सकता हूँ, मुश्किल काम आसानी से कर सकता हूँ। अगर आप शादीशुदा हैं और आपका पति आपका कहना नहीं मानता तो मैं 2 मिनट में डाइवोर्स दिला सकता हूँ। और अगर शादी ना हुई हो तो शादी करा सकता हूँ। सुनो जी, एक गिलास पानी ला दो। अभी ला दो। और चाय भी, कब से कह रखा है? अरे, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी लाओ। लाता हूँ। आपके पास 50 रुपए हैं? जी। 50 रुपए? जी नहीं। 25 है? 25 भी नहीं। 15? तो फिर है क्या? 5 है। सिर्फ 5? चलेगा। ये क्या? मशवरे की फीस। लेकिन आपने मशवरा कब दिया है? देता हूँ। सुनो, तुम डॉक्टर आनंद से शादी करना चाहती हो ना? आपको कैसे मालूम है? मालूम करने की तो फीस लेता हूँ। बोलो, शादी करना चाहती हो ना? बदनाम हो जाओ। क्या? हाँ, थोड़ी सी रूमर फैलाओ, साथ घूमो फिरो सिनेमा में, गार्डन में, समंदर किनारे, अस्पताल में, ताकि लोग तुम दोनों को हमेशा साथ देखें। फिर आगे मैं समझ लूंगा, तुम्हारी बदनामी के बाद उसे मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करेगा तो धोखा देने के इल्जाम में जेल जाएगा। लेकिन वकील साहब, अगर केस उल्टा हो गया तो मैं फिर उसे उल्टा कर दूंगा। और रुपए हैं? कोई बात नहीं, फिर दे देना। आप मुझे लिफ्ट देंगे? मैं यहाँ आई थी लेकिन टैक्सी वगैरह नहीं मिलती। प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू।
होगी। आप रोजाना शाम को कहाँ जाते हैं? जाता हूँ कहीं। किसी खास मरीज का इलाज करने? नहीं, खुद अपना इलाज कराने। मैं भी चलूं? वो इलाज ऐसा है जिसमें आदमी खुद खुद घोड़ा बन जाता है। राजू 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 आ गया, आ गया। राजू कैसे हैं बेटे? ये लो चॉकलेट। थैंक यू। आप यहाँ कैसे आ गए? जी मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। अकेले? हाँ बेटे अकेला ही आता। अब अपने बेटे को क्यों नहीं साथ लाती? मेरी माँ तुम्हें साथ लाके। मेरा बेटा मेरे साथ नहीं आता। फिर आप यहाँ क्यों आते हैं? फूलों को देखने, मुझे फूलों से बहुत प्यार है। तुम भी तो फूल हो बेटे। मैं फूलों से बच्चा हूँ। बच्चे भी अपने बाग के फूल होते हैं बेटा। राजू तेरा लॉकेट कहाँ है? आप लॉकेट नहीं पहनाती इसे? ये बहुत जिद्दी है डॉक्टर साहब, रात को पहना दिया करती हूँ। और दिन को? दिन में मैं खुद पहन दिया करती हूँ। चलो राजू घर चले, शाम हो गई। मैं टैक्सी मिलेगी? हाँ क्यों नहीं मिलेगी। चलो बेटे मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं आप क्यों तकलीफ करेंगे, हम लोग चले जाएंगे। चलो ना। राजू जिद नहीं करते। चलो ना मान के गाड़ी में। चलिए ना, इसमें हर्जी क्या है। चलिए आजा बेटे। आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, हमें दे दीजिए। हमारी तो है बेटे। हमारी है, हम ले लें। ले लो। आप बहुत अच्छे हैं। क्यों माँ अच्छी है ना? कहो ना माँ अच्छी है ना? हाँ बेटा बहुत अच्छी है। चाय पीजिए। जी फिर कभी आऊंगा। किसकी थी? डॉक्टर आनंद की। वो पार्क में मिल गए थे। राजू जिद करने लगा कि मैं ऐसी गाड़ी में बैठूंगा इसलिए। भाभी तुम्हारे गले में लॉकेट कैसा? राजू का है। राजू का? जी हाँ डॉक्टर साहब ने दिया था। इसमें पूजा के फूल हैं। मगर तुम क्यों पहने हुए हो? राजू नहीं पहनता, जिद करता है। रात को उसे पहना दिया करती हूँ। रात को भी पहने रहा करो ना, कोई देखता थोड़ी है। माँ बच्चे दोनों की रक्षा होती रहेगी। दीदी बहू तुम्हें सोचना तो चाहिए, तुम्हारा असली लॉकेट भगवान ने छीन लिया है। और फिर पराए आदमी का दिया हुआ लॉकेट दुनिया तुम्हारे गले में देखेगी तो क्या कहेगी? तू चुप हो जा कमला। अगर घड़ी के लोगों ने ऐसा कहना शुरू किया तो गैरों को उंगली उठाते कितनी देर लगेगी। घर की इज्जत का ख्याल सभी को रखना चाहिए। बहू लॉकेट डॉक्टर को वापस कर दो। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। तुम्हारा बच्चा कैसा है? अच्छा है डॉक्टर साहब, आपकी मेहरबानी। मेहरबानी तो भाई होती है भाई, कहो कैसे आना हुआ? आपने मेरी औरत की जान बचाई है डॉक्टर साहब, और तो मैं कोई सेवा कर नहीं सकता। मामूली खिलौने बनाने वाला हूँ, आपके बच्चे के लिए खिलौना लाए। लेकिन मेरा इसे रख लीजिए डॉक्टर साहब। राजू किसके साथ आया बेटे? माँ के साथ। राजू ये खिलौना किसका है? तुम्हारा है बेटे, लोगे? हाँ। भगवान आपके बच्चे की उम्र बढ़ाए, आपकी जोड़ी सलामत रहे डॉक्टर साहब, सदा सुखी रहे, फूली फली।
प्रेम साहब हैं? नहीं सर, बाहर गए। आप नौकर तो कह रहा था आप घर में नहीं। जी हाँ, वो माँ जी के लिए कह रहा होगा। माँ जी और कमला दीदी बाजार गई हैं। राजू कहाँ है? अंदर है। आप उसका खिलौना भूल के चली हैं। राजू राजू अंकल पिया हूँ। राजू राजू, अरे कहाँ भाई? मैं यहाँ हूँ। भयंकर बहुत शैतान। कहाँ है खिलौना? अभी देता हूँ बेटे, पहले आंखें बंद करो। शाबाश, ये लो। डॉक्टर साहब, राजू खिलौना एक शर्त पर लेगा। शर्त? जी हाँ। कैसी शर्त? आप ये लॉकेट वापस ले लीजिए। वापस? क्यों? कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आप इसे ले लीजिए। लेकिन ये तो बहुत काम की चीज है, आप इसे राजू के गले में पड़ा रहने दीजिए। डॉक्टर साहब, आप इसे वापस लेते जाइए, राजू इसे नहीं पहनता। मैं ये लॉकेट वापस करने हॉस्पिटल आई थी, लेकिन आप इसे ले लीजिए। डॉक्टर साहब माफ कीजिए, मैं इसे नहीं लूंगा, आप रखना होगा। सुनिए, देखिए सुनिए, आप इसे ले लीजिए ना। लेकिन आप मेरी बात मानिए, आप रख लीजिए ना। मैं सुन कैसा है डॉक्टर साहब? राजू को देखने आया था। अपनी फीस लेते जाइए। कैसी फीस? राजू को देखने की। राजू जैसे आपका बच्चा है वैसे ही। बहू, पानी अभी सर से ऊंचा नहीं हुआ है, इतना मिलना जुलना ठीक नहीं। ध्यान रहे, डॉक्टर आनंद अब इस घर में ना आने पाए। जाना है? पार्क जाएंगे माँ, देरी हो गई है। अब पार्क नहीं जाएंगे राजू। क्यों? डॉक्टर अंकल वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। कह दिया ना, पार्क नहीं जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी तो मैं अकेला चले जाऊंगा। राजू राजू कहाँ जा रहा है? सुन, कहाँ ना नहीं जाना है। राजू 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 राजू, ले बेटा दवा पी ले। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। पी ले बेटा। नहीं, पहले मुझे गिरा दिया, अब दवाई पिला रहे हो। मैंने जानबूझ के थोड़े ही गिराया था, तू ही तो जिद करने लगा था मुझसे। ले पी ले। पहले मैं डॉक्टर अंकल का पिलाता हूँ, फिर पीऊंगा। फिर डॉक्टर अंकल का नाम लिया, वो नहीं आएंगे, फिर मैं भी दवाई नहीं पीऊंगा। ओहो, बच्चा जब इतनी जिद कर रहा है तो डॉक्टर आनंद को बुला क्यों नहीं लेती? मेरे ख्याल में अब ये कर्फ्यू ऑर्डर हट जाना चाहिए। आप नहीं जानते भाई साहब, मैं आपसे क्या कहूँ। अब कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। देखो, बच्चे का बुखार बढ़ रहा है, डॉक्टर आनंद को आना ही चाहिए।
लेकिन ओहो, मैं समझता हूँ तुम माताजी से और कमला से डरती हो, लेकिन तुम उसकी फिक्र ना करो, मैं उन दोनों को संभाल लूंगा। हाँ तुम जाओ, डॉक्टर आनंद को फोन करो। खड़ी क्या हो, जल्दी जाओ ना। डॉक्टर मेहता यह, होल्ड ऑन प्लीज। आनंद तुम्हारा फोन। यस राजू को बुखार। हेलो हेलो, मैंने तुमसे कह नहीं दिया कि डॉक्टर आनंद अब इस घर में कभी नहीं आएगा? लेकिन राजू उन्हीं के लिए जिद कर रहा है माँ, जिद की वजह से उसका बुखार बढ़ गया है। बुखार क्यों नहीं बढ़ेगा, माँ को भी जिद है कि दवाई पिलाएंगे तो डॉक्टर आनंद की थी। डॉक्टर आनंद के सिवा बना आप शहर में कौन डॉक्टर है जो माँ और बच्ची दोनों का इलाज करे? कंगा, इलाज कोई भी करे मतलब अच्छा होने से, मैं अपने बच्चे के लिए बड़े से बड़ा डॉक्टर बुलवाऊंगी, लेकिन तू अब डॉक्टर आनंद का नाम ना लेना। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर शर्मा, बच्चे का क्या हाल है? जरा सीढ़ियों से गिर गया था। गिर गया था? हाँ, मामूली सा जख्म है और थोड़ा सा बुखार है। अच्छा, आप? जी मुझे पता चला कि बच्चा बीमार है, मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा उसे देख जाऊं। आप ये बता सकते हैं कि आप हमेशा इधर ही से क्यों गुजरा करते हैं? जी मैं बच्चे की खैरियत पूछ रहा था। बच्चा ठीक है, डॉक्टर से देख चुका है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जी हाँ, और अब आप मेहरबानी करके इधर से कभी मत गुजरा कीजिए। मैं अभी कुछ नहीं सुन सकता माया, तुम अपने घर चली जाओ। चली तो जाऊंगी, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। हॉस्पिटल में कोशिश के बावजूद भी आपसे कुछ कहने का मौका नहीं मिलता, मजबूरी मुझे बार बार आपके दरवाजे पर लाती है। माया, मुझ पर जिंदगी के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, मैं तुमसे भी ज्यादा मजबूर हूँ। मेरी परेशानी को और ना बढ़ाओ, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। रत्ना जी, डॉक्टर आनंद से राजू के लिए दवा लेकर आया हूँ, तुम एक खुराक इसे अभी दे दो और बाकी खुराकें तीन तीन घंटे के बाद देती रहना। डॉक्टर के लिए दवाई? हाँ बेटे। ला मैं पीता हूँ। लेकिन माता जी। ओहो, तुम माता जी के चक्कर में पड़कर बच्चे की तबीयत और खराब कर दोगी। गोली मारो माता जी को और कमला को, मैं दोनों को देख लूंगा। क्या देख लोगी जी? क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? भला तुमसे क्या छुपा सकता हूँ? हाथ में क्या है? हाथ में? हाथ में तो कुछ नहीं। देखो दूसरे हाथ में। दूसरे हाथ में कुछ नहीं। ये क्या भाई, फोर्स अटैम्प्ट था रॉबरी। चुप रहो जी। डॉक्टर आनंद की दवाई अब चोरी चोरी मंगवाई जाती है, माताजी के मना करने पर भी तुम लोग बाज नहीं आते। दीदी क्यों तोड़ दी तुमने मेरे बच्चे की दवा की शीशी? क्या तुम नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अच्छा हो? बच्चा क्या डॉक्टर आनंद ही की दवाई से अच्छा होगा? इलाज तो हो रहा है इसका, डॉक्टर आनंद से चोरी चोरी दवाई मंगवाने की क्या जरूरत थी? और अगर तुमने भगवान ही के आगे शर्म उतार के रख दी। खामोश रहो दीदी, फिर ऐसी बात मुंह से ना निकालना। जिंदगी का सहारा छूट गया तो अब मैं तुम्हारी नजरों से बिगड़ गई हूँ। तुम्हारे दरवाजे पर इसलिए तो नहीं पड़ी हूँ कि तुम लोग मुझे शक की नजरों से देखो। अरे
लेकिन डॉक्टर आनंद से इतनी नफरत क्यों हो गई? तुम्हें क्या देख लिया तुमने? क्या बुराई देख ली है उनमें? सिवाय मेरी किस्मत की बुराई के कसूर तुम्हारा नहीं दीदी, उसमें मेरे नसीब का है। क्या हो रहा है भगवान? मैं भी इंसान हूं, इतनी मुसीबतें कैसे उठा सकूंगी? एक विधवा की आबरू पर शक करने का अधिकार दुनिया को क्यों दे दिया है तुमने? इसलिए कि तुम उसका आखिरी सहारा भी छीन लो, वो अपने बीमार बच्चे के लिए तवा भी ना मंगा सके। तुम इतने कठोर क्यों हो भगवान? ऐसी कठोर दुनिया क्यों बनाई है तुमने? क्यों बनाई है ऐसी? डॉक्टर आनंद के दवा आएगी बहू? प्रकाश जा, डॉक्टर आनंद की दवा ले आओ। रामलाल जी सर, आज शाम को कुछ डाक वाक आई? जी डाक तो नहीं आई, मगर माया देवी ने आपके लिए खत भेजा है। माया? जी हाँ, सुना है उनकी तबीयत ठीक नहीं, आज वो सिक लीव पर है। समझ गए ना? देख बेला, जरा सी भी गलती हुई तो मामला चौपट। देखे कर रहा हूं, वो आ रहे हैं। अच्छा तो मैं जाती हूँ। अच्छा उठो, नहीं सुना है तुम्हारी तबीयत खराब? जी ऐसी कोई खास बात नहीं। शायद तुमने मेरी बातों का काफी असर ले लिया। आपने तो कोई असर नहीं लिया। माया तुम समझती क्यों नहीं कि मैं किस हालत में हूं? मैं दुनिया में किसी के लायक नहीं रहा, सब कुछ भूलना चाहता हूं लेकिन कुछ भी भूल नहीं सकता। जिंदगी से दूर भागना चाहता हूं माया, लेकिन भाग नहीं सकता। मुझसे किसी को क्या आराम मिल सकता है माया? लड़ चुकी बात बढ़ चुकी, अब तो आंख लड़ चुकी बात बढ़ चुकी, अब तो पास आइए आप ही जाइए, हे हे अब तो आंख लड़ चुकी बात बढ़। ये तुम्हें क्या हो गया है माया? देखा है जब से तुम्हें, वो तुम्हें तब से ये दिल दे दिया। देखा है जब से तुम्हें, वो तुम्हें तब से ये दिल दे दिया। देखो तुम्हारे लिए ओ मैंने इल्जाम क्या क्या लिया, मैंने इल्जाम क्या क्या लिया। गया प्यार क्या करें बताइए, अब तो पास आ
आई एम सॉरी डॉक्टर आनंद. हेलो 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 हेलो. इल्लीगल, एकदम इल्लीगल. डॉक्टर मेरे तो सुन सुनकर कान भी पक गए. क्या हुआ प्रकाश? अजी क्या कुछ नहीं हुआ. हॉस्पिटल में, कोर्ट में, बाजार में, बस हर तरफ इसी बात का चर्चा. भगवान दुश्मन को भी ऐसा दिन ना दिखाए. आखिर तुम बात किसकी कर रहे हो? माया की, और किसकी. बदनामी हुई तो हुई, अब बेचारी को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा. क्यों? क्यों? अजी इतनी बदनामी के बाद भी क्या वो यहाँ नौकरी कर सकती है? और मेरे ख्याल में तो अब उसे कहीं नौकरी नहीं मिल सकती. वो भूखी मर जाएगी डॉक्टर. ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर ऐसा हो रहा है. हाँ, एक तरकीब मेरी समझ में आई है, और कानूनी तौर पर वो होती भी ठीक है. क्या? ना बेचारी को नौकरी की जरूरत रहे और बदनामी भी धुल जाए. तरकीब क्या है? शादी कर लीजिए उससे. क्या? हाँ डॉक्टर, इसके सिवा कोई सूरत नहीं. डॉक्टर तुम्हारी जरा सी गलती से बेचारी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही. जरा सोचो समझो, वो गरीब अब कहाँ जाए, कहाँ जाए. शादी करने को मैं कर लेता, लेकिन अब नया कानून पास हो चुका है. मैं जा रही हूँ डॉक्टर, नौकरी तो खत्म हो गई, अब यहाँ रह नहीं सकती. किधर से गुजरती हूँ लोग गिरी हुई नजरों से देखते हैं. मैंने किसी को चाहा था, इस गुनाह की सजा मैं जिंदगी भर भुगतूंगी. दुआ करूंगी कि आप हमेशा खुश रहे. माँ, डॉक्टर अंकल हमें मिलने नहीं आए. कोई बात नहीं बेटा. क्यों नहीं आए माँ? अब वो नहीं आएंगे राजू. क्यों, हमसे नाराज हो गए थे? नहीं तो. क्यों माँ, हमसे नाराज हो गए थे ना? नहीं बेटा. तो फिर? मुझे नहीं मालूम. हम पार्क में नहीं गए इसलिए नाराज हो गए. चलो चलो तो सोचो. नहीं माँ, बोलो ना माँ. नहीं माँ, पहले बताओ. बेटा वो कहीं चले गए हैं, दूर. बहुत दूर? हाँ बहुत दूर. तब पिताजी चले गए हैं? ऐसा नहीं कहते बेटा. तुम उन्हें बुलाते क्यों नहीं? तुम बुलाएंगे तो जरूर आएंगे. वो नहीं आ सकते राजू. कैसे नहीं आ सकते? तुम्हारे साथ झगड़ा हो गया राजू. अब तुझे कैसे समझाऊं बेटा. मुझे शक्ति दो भगवान, मुझे शक्ति दो. सहने की शक्ति दो मुझे. कमजोर मत होने दो, कमजोर मत होने दो. निमंत्रण है, डॉक्टर आनंद की शादी हो रही है माया के साथ.
रामू, आज की पार्टी का सारा इंतजाम कर लिया ना? जी हाँ बहू रानी, सब तैयार है। अच्छा जी, वो क्या बात है? जेलाराम का आदमी आज फिर आया है। अच्छा, तुम सामान निकालो। क्या है जी? मैम साहब, ये बिल है 3,500 रुपए के, कई महीने हो गए अभी तक नहीं मिले। तो मैं क्या करूं? साफ से लो। साफ तो मिलता ही नहीं। ओहो, हॉस्पिटल में जाओ। बहुत बिजी है इस वक्त, शायद नहीं मिल पाएंगे। क्या बात है डॉक्टर कुमार? डॉक्टर आनंद, ये साहब आपसे मिलना चाहते हैं, इन्हें बिल की शिकायत है। बिल की? दिल की नहीं भाई साहब, बिल की। देखिए साहब, दिल की शिकायत अस्पताल में और बिल की शिकायत घर में होनी चाहिए। जी हाँ, घर पे ही गया था, मैम साहब ने बोला अस्पताल जाओ। 3 महीने हो गए, 12 साड़ियां ले गई थी, अभी तक उनके पैसे नहीं दिए। देख लो दुनिया जरा, जीने वालों ले लो जीने का मजा। आए हो तो देख लो दुनिया जरा, जीने वालों ले लो जीने का मजा। आए हो तो देख लो दुनिया जरा, जीने वालों ले लो जीने का मजा। तुम्हारे हाथ है, दुखड़ी है ये जारे हाथ है, दुखड़ी है ये जवानी का नशा। जीने वालों ले लो जीने का मजा। दुखड़ी है ये जवानी का नशा, जीने वालों ले लो जीने का मजा। ले लो जीने का मजा जी, ले लो जीने का मजा। दुनिया जरा जीने वालों ले लो जीने का मजा। चार दिन की जिंदगी में आहे भरना किस लिए दिया? आहे भरना किस लिए? करना किस लिए? फिक्र करना किस लिए? फिक्र करना किस लिए? जो भी सर पे आए सहलो, इतना डरना किस लिए? मौत तो आएगी उससे पहले मरना किस लिए? वाह, कल जो होगा कल ही देखा जाएगा, पर जीने वालों ले लो जीने का मजा। कल जो होगा कल ही देखा जाएगा, जीने वालों ले लो जीने का मजा। आए हो तो देख लो दुनिया जरा, जीने वालों ले लो जीने का मजा। आए हो तो दुनिया जरा, जीने वालों ले लो जीने का मजा। आए हो तो
माया मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आप लोग प्रोग्राम जारी रखिए, मैं भी आई। आपने मेहमानों के सामने मेरी इंसल्ट क्यों की? आप मुझे इस तरह जलील नहीं कर सकते। और तुम भी मुझे परेशान नहीं कर सकती। तुम्हारे ये बिल, ये पार्टियां, ये बड़े हुए खर्च मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी एक ही तो बिल्ली है, अगर इसकी सालगिरह पर 3-4 हजार रुपए खर्च भी हो गए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। मैं इंसान को रोटी नहीं मिलती और तुम कुत्ते बिल्लियों की सालगिरह मनाती हो। तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। मैं डॉक्टर मेहता बोल रहा हूँ। आनंद घर पर है? मुझे नहीं मालूम। क्या बात है डॉक्टर? आनंद तुम वक्त पर आ गए, बहुत डेलिकेट ऑपरेशन है। और आनंद, आनंद, आनंद क्यों, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम शायद बहुत थक गए, जाओ घर जाकर आराम करो। और देखो मौसम भी खराब हो रहा है। लेकिन कोई केस हो तो मैं ठहर जाता हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। अच्छी बात। आनंद, आनंद जी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था। कहिए। ये माया का बर्ताव कुछ अजीब सा नहीं होता जा रहा? बात क्या है? नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए टेलीफोन किया था जिसका जवाब उसने बड़े कुछ अजीब से अंदाज में दिया और फिर फौरन टेलीफोन बंद कर दिया। आई एम सॉरी डॉक्टर, उसकी बात कभी कभी बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। लेकिन आप तो जानते हैं तमाम डॉक्टरों की राय है कि उसे बच्चा कभी नहीं हो सकता। शायद इसी दुख की वजह से वो कुछ चिड़चिड़ी हो गई। आप बुरा मत मानिए। नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं, मैंने तो यूं ही कहा था। जाओ 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 घर जाकर आराम करो। शाबाश जाओ। Poor chap. इतनी बारिश में कोई टैक्सी वाला आने को तैयार नहीं। नहीं आता तो उसे अमूल बटर लगा तो वो फौरन ना देगा। ये बहुत कम का मक्खन है। नहीं बाबा देखो ना कितना पानी भरा हुआ है। डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल। टैक्सी मिल जाती तो घर चली जाती। लेकिन उस तरफ तो बहुत पानी भरा हुआ है, कोई गाड़ी नहीं जा सकती। मेरे घर चलिए ना, ये पास ही तो है। बारिश के बाद मैं आपको छोड़ दूँ। लेकिन देखिए राजू किस तरह से भीग रहा है, अगर सर्दी लग गई तो। आओ बेटे आइए। रामू एक तौलिया लाओ जल्दी। मुझे दीजिए सरकार, मैं इसका वजन पूछ देता हूँ। अच्छा देखो अच्छी तरह साफ कर देना इसे, ये बिल्कुल भीगा ना रहे। और इसके कपड़े भी सुखा देना। जी हाँ। आइए आप भी कपड़े बदल डालिए, काफी भीग चुकी हैं। मैं घर जाके बदल लूंगी, ऐसे छींटे तो पड़ते ही रहते हैं। लेकिन ये बरसात न जाने कब रुके। मैं आपके लिए साड़ी लाता हूँ। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? तकलीफ की कोई बात नहीं, कपड़े मौजूद हैं। बेटा किसी के, अरे नहीं नहीं बेटा इसे न छुओ, डॉक्टर साहब नाराज हो जाएंगे। अरे भाई वो तो किसी को आने भी नहीं देते यहाँ पर। रामो जी सरकार खेलने दो इसे और जो कुछ ये मांगे इसे दे दो, रोको नहीं। बहुत अच्छा सरकार,
तुम खेलो बेटे। आओ अब तुम मुझे बहुत सारे खिलौने देंगे। लीजिए कपड़े बदल जाने। नहीं डॉक्टर साहब ये अच्छा नहीं लगता। क्यों? आप नहीं समझेंगे। लेकिन कुछ बताइए तो। हर औरत इस बात का बुरा मानेगी कि उसके कपड़े कोई दूसरी औरत पहने। वो बुरा नहीं मान सकती रत्ना देवी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ उसकी चंद एक निशानी ही बाकी रह गई। माफ कीजिएगा मैं कुछ। आप कपड़े बदल डाली, मैं चाय का इंतजाम करता हूँ। अच्छी लगती है इस साड़ी में। आइए चाय तैयार है। लाइए मैं बना दूं। आपकी पत्नी कब तक आएंगी? मालूम नहीं। पता नहीं रत्ना देवी लोग मुझसे दूर क्यों भागते हैं। मैं सोचता हूं मेरी क्या गलती है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता ये उलझन क्यों है। आपको कहे कि उलझन है डॉक्टर, सब आपको चाहते हैं, आपसे आपके काम से प्यार करते हैं। शायद आप ही ठीक कहते हैं। आदमी को अपना कसूर नजर नहीं आता। मैंने ही शायद अपनी किसी भूल से अपना सुख अपना आराम सब कुछ लुटा दिया है। लेकिन मैंने अपनी सारी जिंदगी दूसरों के हवाले कर दी। उसके बदले में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। आप अपनी कुर्बानियों का बदला चाहते? कुर्बानी तो बदला नहीं चाहती। मन की शांति भी तो नहीं छीन लेती। मन चंचल होता है डॉक्टर। पत्थर तो नहीं होता? चिंगारियां तो पत्थर से भी निकलती हैं। कौन ऐसा होगा जो आपकी कदर ना करे? मैं खुद आपका एहसान मानती हूँ। एहसान? इसके अलावा भी कुछ था जो आप मेरे लिए कर सकती? जी अगर आप चाहती। आपकी माताजी ने मेरे लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए लेकिन अगर आप चाहती तो अपना बच्चा किसी तरह मुझे दिखा सकती थी। पार्क में, हॉस्पिटल में, कहीं भी। ये कैसा अंधेर है कि जिस बच्चे को सारी दुनिया देख सकती है मैं नहीं देख सकता। ताज्जुब है मां होकर आप एक बाप के दिल को नहीं समझ सकती। परमात्मा के लिए ऐसी बातें ना करो डॉक्टर। मैं एक विधवा हूँ, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। राजू तुम्हारा बेटा नहीं है, फिर उसके लिए तुम्हारे दिल में ये तड़प क्यों है? क्यों है? ऐसी घिनौनी बातें ना करो। घिनौनी बातें? घिनौनी बातें इसलिए कि राजू की माँ एक खूबसूरत विधवा है। अगर राजू बेमां का बच्चा होता तो यही तड़प इंसानी हमदर्दी कहलाती। लेकिन आज ये गंदगी है, कलंक है, इसलिए कि तुम विधवा हो, खूबसूरत हो, जवान। हाँ हाँ, तुम्हें यही समझना चाहिए डॉक्टर। मैं तुम्हें अपनी इज्जत का वास्ता देकर कहती हूँ, तुम यही समझ लो, यही समझ। तुमने मुझे गलत क्यों समझा रहा था? कब मैंने तुम्हें उस नजर से देखा जिससे तुम पर कोई कलंक आए? कब तुमने ये सोचा कि मैं तुम्हारी मजबूरी से फायदा उठाना चाहता हूं? कब तुमने ये अंदाजा लगाया कि मैं अपनी इंसानियत से गिर गया हूं? अगर मैं चाहता भी तो जानता था कि
ये नामुमकिन है। अक्सर होता है रत्ना, आदमी बहुत कुछ चाहता है और कुछ भी नहीं पाता। बस करो डॉक्टर, बस करो। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि मैं हूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं। राजू मुझे घर ले चल बेटा, मुझे घर ले चल। लेकिन माँ टैक्सी किधर मिलेगी? हम पैदल चले जाएंगे। तूफान थम गया है। क्या बात है, आज इतने खामोश क्यों हो? मेरे पिताजी गुजर गए। तुम्हारे पिताजी? हाँ। लेकिन लेकिन मुझे तो मालूम भी नहीं था कि तुम्हारे पिताजी जिंदा हैं। कौन थे वो, कहाँ रहते थे? तुमने कभी उनका जिक्र क्यों नहीं किया? क्या बताता तुमसे, बहुत दिनों की बात है। अब तुम्हारा हमसे कोई वास्ता नहीं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा ना कहिए पिताजी, मैंने उससे शादी की है, कोई बाप तो नहीं किया। वो आपकी बहू है, इस घर की इज्जत है। वो इस घर की जिल्लत है, हमारे खानदान की बदनामी है। वो इस घर में कभी नहीं आ सकती। अगर तुम उसके साथ ही रहना चाहते हो तो तुम भी जा सकते हो। मैं चला जाता हूं पिताजी। आप ही ने तो सिखाया है कि वचन दिया है तो तोड़ना नहीं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिंदगी में आपके बताए हुए असूलों पर हमेशा हमेशा चल सकूं। और वो मुझसे नाराज ही इस दुनिया से चले गए। काश काश मैंने मना सकता। लेकिन लेकिन ये खबर किसने दी? उनके वकील। आपके पिताजी को गुजरे हुए एक महीना हो गया। काफी तलाश के बाद आपका पता मिला। मैं आपके पिताजी की तरफ से बहसियत उनकी वकील के आपको इत्तला दे रहा हूं कि उन्होंने अपने पीछे बहुत बड़ी जायदाद छोड़ी है, जिस पर कानूनी तौर से आपका कोई हक नहीं। वसीयत की रूह से अगर आपकी कोई औलाद है तो वो अपने दादा की जायदाद की जाय सकता है। उसकी परवरिश के लिए 10,000 रुपया महीना खर्च के तौर पर उसके जवान होने तक उसके गार्जियंस को मिलता रहेगा। ₹10,000 महीना? यस, फरमाइए क्या काम है? तुम्हें सुनकर ताज्जुब होगा कि डॉक्टर आनंद के पिता जिंदा थे। हे, पिता? हाँ, पहले मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन अब वो मर गए। तो क्या उनको फिर जिंदा करना है? मजाक छोड़ो, डॉक्टर आनंद के पिता ने एक बहुत बड़ी जायदाद छोड़ी है, लेकिन वसीयत में डॉक्टर आनंद को एक पैसा भी नहीं दे गए हैं। फिर ये जायदाद किसी तरह दिलवा दो। लेकिन जब एक पैसा भी नहीं दे गए हैं तो इतनी बड़ी जायदाद कैसे मिल सकती है? वो मैं नहीं जानती। तुम वकील हो, कोई ऐसी सूरत निकालो जिससे वसीयत नामा नाजायज करार पा जाए। जी हाँ, फिर आप फरमाएंगी कोई ऐसी सूरत निकालो कि बाप नाजायज करार पा जाए। इसका नतीजा
वकील इल्लीगल। ओहो पागलपन छोड़ो, सीधी सीधी बात करो, मैं तुमसे मशवरा लेने आई हूँ। पागलपन ठीक है पागल, क्या बस यही एक सूरत हो सकती है, किसी तरह यह साबित हो जाए कि मरने वाला पागल, मेरा मतलब है मरने वाले के दिमाग में कुछ खराबी थी, बस वसीयतनामा इल्लीगल। ओह तो यही साबित कर दो कि वो पागल थे, जितना रुपया मांगोगे दूंगी। मैडम आखिर आप वकील को समझती क्या है, क्या वो आपके रुपए के लिए एक अच्छे खासे आदमी को पागल साबित कर देगा, कानून को भेज देगा? माफ कीजिए, एक वकील अपने पेशे की इंसल्ट कभी नहीं कर सकता। ये पागलपन छोड़ो माया, जब मैं जीते जी पिताजी से अलग हो उनकी कोई सेवा नहीं कर सका तो फिर उनकी जायदाद पर अपना अधिकार ही क्या है। लेकिन डार्लिंग, बाप की दौलत जिस तरह भी हो बेटे को मिलनी ही चाहिए। मैं मजबूर हूं माया, इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें औलाद हो नहीं सकती और जायदाद मिल नहीं सकती। किसी का बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेते? बच्चे के बिना घर बहुत सुना सुना लगता है। तुम नहीं जानते डाली, मेरा दिल कितना तड़प रहा है बच्चे के लिए। मैं जानता हूं और ये भी जानता हूं कि ये तड़प तुम्हारे दिल में कब से पैदा हुई है। अगर इस वसीयत का पता ना चलता तो तड़प कैसी तुम्हारे दिल में ख्याल तक नहीं गुजरता। दौलत चाहिए तुम्हें, बच्चा नहीं। ये ख्याल छोड़ दो माया, ये जायदाद तुम्हें किसी तरह नहीं मिल सकती। एक सूरत और है। क्या? तुम्हारे पिताजी को पागल करार दे दिया जाए। माया! मैं डॉक्टर आनंद के पिता का सॉलिसिटर हूँ, उनकी वसीयतनामे के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। बैठिए बैरिस्टर साहब, हमारी तो कोई औलाद है नहीं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी का बच्चा गोद ले लें? ये मुमकिन नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो इसका यह मतलब होगा कि दौलत हासिल करने के लिए आपने बच्चे को गोद लिया। कानून ये कबूल नहीं करेगा। तो फिर क्या किया जाए? मजबूरी है। मैं ऐलान कर देता हूँ कि वसीयतनामे की शर्त पूरी नहीं हुई, इसलिए जायदाद ट्रस्ट के हवाले कर दी जाए। माफ कीजिएगा। राजू का ख्याल रखना बहू, बहुत दिनों के बाद अपने घर जा रही हूँ, थोड़ा जल्दी चली आना, राजू के बिना मेरा दिल नहीं लगेगा। मैं तो जाती भी नहीं माँ, पर क्या करूँ, बाबूजी ने बुला लिया। माँ माँ तुम तो अपना सामान मानती हो, मेरा सामान नहीं मानती हो। लो ये भी रखो, ये भी रखो। अरे अरे ये सब कचरा इसमें क्यों भर रहा है, इसमें नहीं रखा जाता बेटा, रहने दे भाई, वही रहने दे, वही रहने दे मैं कहती हूँ। ये तस्वीर तुझे कहाँ से मिली राजू? डॉक्टर ने तो नौकर ने दी थी माँ। लेकिन तुम डॉक्टर आनंद के यहाँ क्यों गए थे बेटा, किसके साथ गए थे? माँ के साथ दादी। माँ के साथ? कब? जिस दिन बरसात हुई थी दादी, उस दिन हम एकदम बिगड़े थे। डॉक्टर कल माँ को बहुत अच्छी साड़ी पहनाई थी, माँ ने आते वक्त उतार दी। राजू क्या कह रहा है बहू, बोलती क्यों नहीं? राजू क्या कह रहा है? अच्छा है तू घर से जा रही है, अब कभी लौट कर ना आना, मुझे कोई दुख ना होगा। समझूंगी जहां एक गया वहां सब चले गए। माँ दादी क्यों लड़ रही है? राजू ये तुमने क्या किया, राजू ये तुमने क्या किया?
डार्लिंग। बड़ी खुश नजर आ रही है। हाँ डार्लिंग, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिर बात क्या? बात मैं जो कुछ चाहती थी मुझे मिल गया। क्या मिल गया? मेरा बच्चा, तुम्हारा बच्चा। मेरा बच्चा? हाँ तुम्हारा बच्चा, जो उस खूबसूरत विधवा के पास है। कौन विधवा? रत्ना देवी। किसने बताया तुम्हें? तुमने तो वादा किया था, कसम खाई थी तुमने। तुमने तो कहा था ये राज मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उस वक्त मेरे जवाई नहीं थे डॉक्टर, माया तुमसे ब्याही नहीं गई थी। अब मैं जब इतने साल बाद यहां आई तो अपनी माया को बच्चे के लिए तड़पता देखकर मेरा दिल भी तड़प उठा और मैंने उसे बता दिया। अच्छा नहीं किया तुमने। अच्छा तो सचमुच नहीं किया डाली। तुम जो बच्चे के बहाने चोरी चोरी रत्ना से मिलने जाते थे अब नहीं मिल सकोगे। चुप रहो। आपने मुझे बुलाया? मैं माफी चाहता हूँ लेकिन ये सच है। और ये सच नहीं कि उसने पैदा किया है। क्या कह रहे हैं आप? आज कहते हैं कि राजू रत्ना का बेटा नहीं, कल कहेंगे चंदू मेरा बेटा नहीं, ये मेरी माँ नहीं, ये मेरा पति नहीं। मेरे पास सबूत है, ये कोर्ट के समन है रत्ना देवी के नाम। रत्ना देवी को क्या मालूम कि समन क्या चीज है? इनको दीजिए, ये भी वकील है। तो आपके पति ने बच्चे के बारे में आपको कभी कुछ नहीं बताया? जी नहीं। क्या आप बता सकती हैं कि आपके पति ने अपना बच्चा रत्ना देवी के हवाले क्यों किया? मैं नहीं जानती। मगर समझ तो सकती हैं। सोचने की बात है कि एक इंसान अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपनी औलाद किसी को किस तरह दे सकता है? क्या इससे कुछ भी मतलब जाहिर नहीं होता? खास तौर से जबकि बच्चा लेने वाली औरत जवान और खूबसूरत हो। योर ऑनर, मेरे दोस्त अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इन सवालात की कोई जरूरत नहीं। योर ऑनर, सवालात यहां जरूरी है। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि डॉक्टर अनंत को रत्ना देवी से कोई खास दिलचस्पी थी जिसकी वजह से उन्होंने अपना बच्चा रत्ना देवी के हवाले किया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सवाल तो यह है कि बच्चा हवाले किया भी या नहीं। ऑब्जेक्शन ठीक है, सवाल की जरूरत नहीं। तो फिर मेरी जिरह खत्म हुई। योर विटनेस प्लीज। माया देवी, क्या आप बता सकती हैं कि डॉक्टर आनंद से आपकी शादी किस तरह हुई? योर ऑनर, इस सवाल का मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं दूसरा सवाल पूछता हूं। माया देवी, क्या आपको मालूम है कि डॉक्टर आनंद के पिताजी ने अपनी वसीयत में बच्चे की परवरिश के लिए 10,000 रुपया महीना मुकर्रर किया? जी वो तो सबको मालूम है। आपको मालूम है या नहीं? जी हाँ। क्या यही जान लेने के बाद आपने ये मालूम करने की कोशिश की कि राजू डॉक्टर आनंद का लड़का है? योर ऑनर, ये सवाल गैर जरूरी है। ये सवाल बहुत जरूरी है योर ऑनर। मैं साबित करना चाहता हूँ कि जिस तरह शादी पैसे के लिए हुई, इस तरह बच्चा भी पैसे के लिए हासिल किया जा रहा है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बताइए माया देवी, आपने ऐसा किया? मैं एक बच्चे के लिए तरस रही थी,
मुझे माँ कहने वाला कोई नहीं था। जब मुझे मालूम हुआ कि मेरी किस्मत में औलाद नहीं, तब मेरा दिल तड़प उठा। और वसीयत में 10,000 रुपया महीना देखकर ये तड़प और बढ़ गई। आपसे किसने कहा कि राजू डॉक्टर आनंद का लड़का है? मेरी मौसी सल्ला देवी ने। सल्ला देवी, आपको ठीक मालूम है कि बच्चा डॉक्टर आनंद का है? जी हाँ, मुझे ठीक तरह मालूम है कि बच्चा डॉक्टर आनंद का है। जब बच्चा डॉक्टर आनंद का है तो फिर रत्ना देवी के पास कैसे गया? डॉक्टर साहब ने खुद दिया था साहब। जैसा योर आनंद, योर विटनेस। सरला देवी, क्या आप ये बता सकती हैं कि जब राजू डॉक्टर आनंद का लड़का है तो रत्ना देवी का लड़का क्या हुआ? वो मर गया था साहब। तो आपने उसकी रिपोर्ट की? जी नहीं। क्यों, क्या रिपोर्ट करना आपकी ड्यूटी नहीं थी? थी। और आपने अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दी। योर आनंद, ये बात नोट की जाए। हाँ तो सरला देवी, आपके सिवा कोई और भी जानता है कि राजू डॉक्टर आनंद का लड़का है? जी हाँ, डॉक्टर साहब खुद जानते हैं। डॉक्टर आनंद, ईश्वर को हाजिर नाजिर जान कर कहो कि मैं जो कुछ कहूंगा सच सच कहूं। डॉक्टर अनंत, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या राजू आपका लड़का नहीं? जवाब दीजिए, क्या रत्ना देवी राजू की मां है? जी हाँ। तो क्या सल्ला देवी ने जो कुछ कहा झूठ कहा? जी नहीं। मतलब क्या है आपका? आप अदालत को साफ साफ बताइए कि रत्ना देवी राजू की मां है या नहीं? मां कौन है? क्या सिर्फ जन्म देने वाली ही मां होती है? क्या वो मां नहीं जिसका दूध खून बनकर बच्चे की रगों में दौड़ रहा हो? क्या वो मां नहीं जिसने अपनी सारी ममता बच्चे पर निछावर कर दी हो? क्या वो मां नहीं जिसके दिल में औलाद का दर्द हो, जिसके दिल की हर धड़कन बच्चे की पुकार हो? मिलाड, मैं ये कहूंगा कि अगर रत्ना देवी राजू की मां नहीं तो दुनिया की कोई औरत अपने बच्चे की मां नहीं। योर ऑनर, डॉक्टर आनंद ने किसी खास वजह से रत्ना देवी की बहुत ही जोरदार और जज्बाती सिफारिश की, लेकिन मुझे अफसोस है, कानून को जज्बात से कोई सरोकार नहीं। सरला देवी की गवाही और डॉक्टर अनंत के बयान से साबित हो चुका है कि राजू रत्ना देवी का नहीं डॉक्टर अनंत का लड़का है, और इनकी पत्नी होने के नाते राजू की माँ होने का हक सिर्फ माया देवी को है। नहीं, ये गलत है, ये झूठ है। राजू मेरा बच्चा है। आपको जो कुछ कहना है यहाँ आकर कहिए। मैं माँ हूं, मुझसे मेरा बच्चा मत छीनिए। परमात्मा ने मुझे जीता जागता राजू दिया। मैं नहीं जानती कौन सा दिया बुझा। मैंने तो अपनी ममता की रोशनी राजू में देखी। मुझसे मेरी आंखों की रोशनी मत छीनिए। आपके बहुत से चिराग होंगे, मेरा एक ही उजाला है। कानून ममता को नहीं जानता, मैं कानून को नहीं जानती, नहीं जानती कि इंसाफ क्या है। हाँ, ये जानती हूं कि राजू को मैंने जन्म दिया, अपना खून पिलाकर उसे पाला है। रहम कीजिए, सिर्फ 10,000 रुपए के लिए मेरी गोद न उजड़ने दीजिए। अगर आप ममता को इंसाफ नहीं दे सकते तो भीख दे दीजिए, मुझसे मेरा राजू मत छीनिए, मुझसे मेरा राजू मत छीनिए, मुझे मेरी लाश दीजिए। अदालत को रत्ना देवी से हमदर्दी है, लेकिन मुकदमे के वाकयात और गवाहों के बयानात की रोशनी में अदालत ये फैसला करती है कि बच्चा डॉक्टर आनंद को दिया जाए।
मुझे अफसोस है, अदालत के फैसले के मुताबिक मैं बच्चे को लेने आया हूं। क्या मिल जाएगा आपको बच्चे को हमसे जुदा करके? मैं आपसे माफी चाहता हूं, आपके दुख को मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। बच्चे को खुशी खुशी रुखसत कीजिए। जाओ राजू, वहां चैन से रहना, जिद मत करना बेटा। वहां कहाँ माँ? अपने पिताजी के पास। पिताजी तो बहुत दूर चले गए थे ना माँ। परमात्मा उन्हें सलामत रखे बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें मिल गए हैं, वहां तुम्हारी माँ भी हैं। माँ भी है? तुम माँ नहीं हो? मैं भी, मैं तेरी पालने वाली हूँ राजू। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा, तुम मेरी माँ हो। राजू जाओ बेटा, एक दुखिया माँ की फरियाद लेकर वहां जाओ। कानून ने मेरी पुकार नहीं सुनी, तुम अपनी हिचकियां लेकर वहां जाओ, ये रोती हुई आंखें लेकर जाओ राजू, और इंसाफ से वहां कहना कि एक माँ ने पाल पोस कर अपने आंसू तुम्हारी आंखों में भर दिए। राजू राजू तुम भी चलो, मेरे साथ माँ, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मेरे राजू, मेरे मैं कभी कभी आऊंगी बेटा, मैं आ जाया करूंगी तेरे पास, चाहे दुनिया मुझे कुछ भी दे। बच्चा मैं नहीं ला सकी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मां से बच्चे को जुदा करूं। मुझे भी मां कहने वाला मुझसे जुदा हो गया, मैं भी मां हूं। आप बच्चे को ले जा सकते हैं बैरिस्टर साहब, मैंने इसे तैयार कर दिया है। आप एक माँ की ममता का भी अंदाजा नहीं कर सकते, और उसकी शक्ति का भी नहीं। लीजिए, मैंने अपने कलेजे का टुकड़ा आपको सौंपा, ले जाइए। आप सचमुच देवी हैं, आओ बेटे। नहीं, नहीं, माँ, माँ, माँ। आओ बेटा आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा माँ। राजू राजू बेटे जाओ मेरे जान, वहाँ बड़ा सुख है, बड़ा आराम है, बहुत से खिलौने हैं। माँ मुझे खिलौना नहीं चाहिए। राजू 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 बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर साहब इसे ले जाइए, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। वहां भी बहुत से खिलौने मिलेंगे। मेरी बच्ची माँ, माँ मेरे खिलौने छीन लिए गए, मेरे खिलौने। राजू 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 मेरा राजू, मेरा राजू।
अलग है विधाता, प्यार माँ का ठुकराता मुझे ओ दुनिया वाले वापस बुला ले। बड़ा बेदर्द जहाँ है यहाँ इंसाफ कहाँ है। तुम्हारे पिताजी। पिताजी ये तो रोंगटे अंकल है। नहीं बेटे, ये ही तुम्हारे पिताजी हैं। जा उनके पास जा। अब हमारे पिताजी है। बोले ना, बोले ना अंकल, अब हमारे पिताजी है। हाँ बेटे। तो मुझे माँ के पास क्यों नहीं रहने दिया? माँ रो रही थी, मुझे जबरदस्ती उठा के लेके आए। डॉक्टर साहब, जिंदगी में ऐसा नागवार फर्ज मैंने कभी अंजाम नहीं दिया। अपना बच्चा संभालिए और मुझे जाने की इजाजत दीजिए। बहुत जुल्म हुआ है गरीब पर। एक माँ की गोद से उसका बच्चा छीन लेना कहाँ की इंसानियत है? सुबह से अन्न का दाना भी नहीं गया उसके मुंह, पानी भी नहीं पिया बेचारी ने। कमला जा उसे ले, मुझ में उसके सामने जाने की शक्ति नहीं। लेकिन रत्ना के सामने मैं क्या मुंह लेके जाऊं मां? उस निर्दोष पर मैंने क्या क्या लांछन नहीं लगाए, मुंह में उल्टा सीधा जो कुछ आया बक दिया। मां, रत्ना मुझे माफ कर सकेगी? भाभी, माँ खाने के लिए बुला रही है। इतना गम करने से क्या फायदा? परमात्मा राजू को सलामत रखे। तुम उसे जाके देख तो सकती हो, कब तक भूखी रहोगी?
इस तरह के अपनी जान दे दूंगी। चलो कुछ खा लो। मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। चलो बेटा खाना खा लो। नहीं, मुझे माँ के पास जाना, मुझे माँ के पास पहुँचा दो। अच्छा चलो हमारे साथ, पहले थोड़ा सा खाना खा लो, फिर हम तुम्हें माँ के पास। नहीं मैं माँ के पास जाऊंगा, नहीं मैं माँ के पास जाऊंगा। क्या बात है बेटे? देखिए हमारे पिताजी है ना। हाँ बेटे। देखिए पिताजी तो अपने बेटे की बात मानते हैं, हमारी बात मानेंगे? जरूर मानेंगे बेटे, कहो क्या बात है? मुझे माँ के पास जाना। हाँ हाँ बेटा चले जाना, पहले थोड़ा सा खाना तो खा लो। नहीं मैं माँ के पास जाऊंगा। राजू हमने तुम्हारे लिए बेटे बहुत से खिलौने मंगवाए। और माँ के लिए साड़ी भी? हाँ माँ के लिए साड़ी भी, सब चीजें आ जाए फिर हम तुम्हें ले चलेंगे। अच्छा यस डॉक्टर आनंद हियर। सीरियस ऑपरेशन अभी करना होगा? अच्छा अच्छा जल्दी जल्दी खा लो, फिर हम राजू बेटा को घुमाने ले चलेंगे। हाँ रामू जी, मैं एक जरूरी काम से हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम राजू का ख्याल रखना। जी इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम पे। बहुत अच्छा बेटे, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। लो खाओ बेटा। ले चलेंगे माँ के पास, अब तो सो जाओ बेटा। नहीं अभी जाऊंगा मैं माँ के पास। बेटा क्या बात है रामू? कुछ नहीं बहू रानी, मैं इसे सुला रहा हूँ, ये सो नहीं रहा। तुम जाओ खाना लगा, मैं सुला लूंगी इसे। जी जाओ। क्या है बेटे, सो जाओ। नहीं मैं मुझे माँ के पास पहुँचा दो। मैं हूँ तुम्हारी माँ बेटे। नहीं तो झूठ बोलती हो। फिर कौन है तेरी माँ? मेरी माँ बहुत अच्छी है, घर में है। और मैं अच्छी नहीं? नहीं। क्यों? मेरी माँ मेरे को गाना भी गा के सुनाती है। मैं भी तुमको गाना गा के सुनाऊंगी। तुम्हें गाना आता है? हाँ बहुत अच्छा आता है। तुम गाना गा के सुना? अच्छा अभी से हुकूमत करने लगा है, सुन गाना और सो जा चुपचाप। सो जा रे चंदा सो जा, चंदनिया अर्ज करे। मेरी माँ ऐसा गाना नहीं गाती है। तो फिर कैसा गाती है? टिम टिम करते तारे ये कहते हैं सारे, सो जातो है सपनों में नींदे पुकारे। टिम टिम करते तारे ये कहते हैं सारे, सो जातो है सपनों में नींदे पुकारे। टिम टिम करते तारे।
गुजार में जिंदगी भर जाती रहो। सो जा। खबर तेरी माँ का नाम लिया, सारा घर सर पर उठा रखा है, सीधी तरह सो जा। बहुरानी, आप बच्चे पर नाराज रहो। तू कौन होता है बोलने वाला? जी मैं कह रहा हूँ, आप जाइए, मैं बच्चे को सुला लूंगा। मैं माँ हो कि नहीं सुला सकी, तू नौकर हो कि सुनाएगा? जी मैं नौकर हो कि सुला लूंगा। मुंह लग के बात करता है, नमक हराम। देखिए मुझे नमक हराम ना कहिए। क्या, निकल जाए यहाँ से। मैं बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकता, ये साहब का हुक्म है। साहब के बच्चे, निकल जाए मेरे घर से। बहुरानी, आज तक इस घर में मालिक का हाथ नौकर पर नहीं उठा था। हेलो, जरा डॉक्टर आनंद को फोन पर बुलाइए, मैं उनके घर से बोल रहा हूँ। डॉक्टर इस वक्त ऑपरेशन रूम में है, एक घंटे तक बाहर नहीं आ सकते। जी अच्छा। मैं तेरी माँ हूँ, मैं सबसे समझा रही हूँ, समझता क्यों नहीं? नहीं तुम मेरी माँ नहीं हो। ठहर जा, तेरी माँ गई भाड़ में, अब मुझे ही माँ कहना पड़ेगा, समझा? नहीं मैं तुमको माँ नहीं कहूँगा। तू मुझे माँ नहीं कहेगा? नहीं माँ भी नहीं कहूँगा, सुनूँगा नहीं। अच्छी बात है, तो सो यहाँ अकेला, समझा? बदमाश कहीं का। चुप हो जा बहू। पता नहीं राजू कैसा होगा, आज तक वो मुझसे अलग नहीं रहा। अच्छा ही होगा, कब तक बच्चे की फिक्र में तू अपनी जान खुलाएगी? क्या करूं माँ, राजू के बिना आज मुझे दुनिया बिल्कुल सोने दिखाई देती। तो 10,000 रुपए महीना मिलने वाला है, जानती है इस बेरहमी से बच्चे को मारने का नतीजा क्या होगा? सरकार तुझसे बच्चा छीन लेगी। जा उसे प्यार से जाकर सुला दे। सोचती क्या है? जा। ओह। जा।
राजू, मेरा राजू आ गया। राजू, राजू घर से निकल गया। क्या राजू कहाँ गया? राम प्यार जी, माँ माँ कह के रोता था, मैं समझा यही आया होगा। यहाँ कैसे आ गया इतना नन्हा सा बच्चा? उसे क्या रास्ता मालूम है? न जाने कहाँ भटकता होगा। मैं जाती हूँ माँ। कहाँ जा रही हो बहू? अपने राजू को ढूंढने। सरकार राजू, क्या हुआ राजू? पता नहीं वो कहाँ चला गया। बहू रानी उसके पीछे पीछे गई है मालिक। तुमने पुलिस में खबर की? नहीं सरकार। अच्छा तू घर जाके देख, आई हम पुलिस में खबर करें। चलिए चलो राजू। बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। क्या बेचारा डूबने लगे।
I am sorry, doctor. राजू मिल गए, मुझे मेरा बेटा नहीं मिला जी। हाँ ना, तुमने अपने दिल का टुकड़ा देखा, एक माँ का कलेजा तो ठंडा किया, लेकिन मैं भी माँ हूँ, मुझे भी मेरा बेटा चाहिए, मैं अब तुम्हें नहीं जाने दूंगी। माँ पिताजी यहीं रहेंगे। जियो बेटा, आज मेरा सुना संसार फिर से हरा हो गया है। आज चलो